जी नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ रचना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में हांडी खुशियाँ दी। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जो हम डोमिनोज और पिज्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खाते हैं इतने शौक से, है ना, मेरा तो खुद बहुत फेवरेट है, वो एक ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा नहीं है। जी हाँ, तो पिज़्ज़ा बनाना शुरुआत कर रही हूँ मैं, आज मेरा फर्स्ट मतलब वीडियो है उसको लेके। तो मैंने सोचा हम शुरुआत करेंगे ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा बनाने से, ठीक है। तो जल्दी से किचन में चलते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिज़्ज़ा डो बनाएंगे हम। एक बोल में मैंने पानी ले लिया है नॉर्मल टेम्परेचर में। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच पाउडर शुगर, आधा चम्मच इसमें जाएगा ईस्ट और इसे अच्छे से आप हिला लो। अब हम मैदा डालेंगे तीन पोर्शंस में, तो पहले हाफ कप डाल दो आप और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लो। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल के दो चम्मच डालने हैं आपको और ये बहुत ऑथेंटिक फ्लेवर देता है, ज़रूर डालें इसको। अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें आधा कप मैदा और डाल देंगे। मिक्स करके देख लो कैसी कंसिस्टेंसी बन रही है, उस हिसाब से अपना थर्ड पोर्शन डालेंगे। तो ये हाफ कप मैदा और डाला मैंने। अच्छे से इसे हिला लें आप, इसे हाथ से अच्छे से मतलब गूंद लें इसको। सॉफ्ट डो होना चाहिए। एक क्लीन सरफेस पे इस डो को मैं निकाल के स्प्रेड और फोल्ड मेथड से इसको अच्छे से गूंद लूँगी। तो आप इसको स्प्रेड करें एंड देन इसको फोल्ड करें ताकि अच्छे से ग्लूटन जो है वो इस डो में बन जाए, जिससे कि जो हमारा बेस है बहुत ही फ्लफ़ी और क्रिस्पी बनेगा। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है और इसको टाइम ज़रूर दें। अच्छे से आटा मैंने देखो मसल लिया है और ये मेरा डो जो है वो रेडी हो गया है। इसको मैं एक बोल में निकाल लूँगी और थोड़ा सा ऊपर से हम इसको ऑलिव ऑयल लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। अब इसे आप 3 से 4 घंटे मिनिमम फर्मेंट होने के लिए या खमीर होने के लिए आप इसको रख दो। तो सॉस बना लेते हैं। एक पैन में ऑलिव ऑयल लिया है मैंने, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गार्लिक, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जाएंगे 2 टमाटर, तो चॉप किए हुए हैं मैंने टमाटर, इनको डाल दूंगी मैं। साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। इसको आप अच्छे से पका लें, तो मैं थोड़ी देर इसको ढक के पकने दूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी ओरिगैनो मिक्स, ठीक है, आप कोई भी इटालियन स्पाइस मिक्स ले सकते हो। साथ ही फ्रेश बेजल लीव्स हैं मेरे पास, ठीक है, इनको हाथ से रफली काट के मैं डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सॉस हमारी बनके हो गई है रेडी। तो डो देख लेते हैं आप। तो 4 घंटे हो चुके हैं, डो हमारा अच्छे से राइज हो चुका है, ठीक है। इसे मैं हाथ से, सॉफ्ट हाथों से मतलब निकाल लूँगी अच्छे से। डो को मैंने एक क्लीन सरफेस पे ले लिया है और इसे मैं हाथों से स्प्रेड करना शुरू करूँगी। आप बेलन का यूज़ भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, लेकिन हाथ से स्प्रेड करना बेटर रहता है क्योंकि डो बहुत सॉफ्ट होता है हमारा और लचीला होता है, ठीक है। तो एक ओवन ट्रे लो, उसे ऑलिव ऑयल या बटर के साथ आप ग्रीस कर लो। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है और इस पे आप हमारा वो जो डो है उसे प्लेस कर दो, रख दो आप, ठीक है। और हाथों से एक गोल शेप आप उसको दो और प्रॉपर इसको फैला लो। मोटा पतला नहीं होना चाहिए, तो इवनली आप इसको फैला लो उस ट्रे पे। अब इस पे हम डालेंगे हमारी वो जो टमाटो सॉस हमने बनाई थी, हमारी ऑथेंटिक टमाटो सॉस, वो डाल देंगे। इसी पर ही मैं कुछ फ्रेश बेजल लीव्स डाल दूंगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही इस पे जाएगा खूब सारा मोज़रेला चीज़। तो आपको जैसा पसंद हो, ज़्यादा कम,
उतना चीज़ आप इसमें डालो, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, जो इसकी जो साइड्स है ना डो की, उसको ऑलिव ऑयल या बटर के साथ ना आप अच्छे से ब्रश कर लो ताकि वो सूखे ना। अब जाएगा ऑरिगैनो और ये जाएगा अवन में। तो मैंने इसे पहले 140 डिग्रीज पे 5 मिनट के लिए पकाया और फिर 180 डिग्री पे 7 मिनट के लिए पकाया। आपके पास अवन नहीं है तो आप पैन में बनाओ, कुछ 20 मिनट्स लगेंगे स्लो गैस पे। तो हमारा पिज़्ज़ा तो बनके हो गया है रेडी, ठीक है। इसको मैं ऑलिव ऑयल के साथ सर्व करूँगी। तो पिज़्ज़ा बन के हो गया था रेडी, ठीक है। मैंने खा भी लिया, फिनिश कर दिया उसको जल्दी से। तो बेस बहुत सॉफ्ट था, ठीक है, बहुत सही बन गया बेस। आपको उसको सॉफ्ट रखना है डो को, तो ज़रूर आपका भी वैसा ही बनेगा, ठीक है। और टमाटो का बहुत अच्छा फ्लेवर विद बेसिल लीव्स एंड ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।